एक लड़की जो अपने तालाब पर जाकर माटी को निकाल रही थी अपने घर ले जाने के लिए, वहीं पर एक लड़का आता है और हाथों को पकड़कर सीधे गन्ने के खेत में लेकर चला जाता है। वहीं पर दूर खड़ा जो कि उसका भाई खेतों को पटा रहा होता है, वह देख लेता है और उस खेत में जाता है। फिर वो देखता है उसके पैर तले की जमीन खिसक जाती है और जो वह करता है उसे जाना बेहद ही हैरान और परेशान होंगे। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं करण राज के साथ अनोखी अपराध, जिसे एक आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। ये घटना छत्तीसगढ़ के एक गांव की है, जहां पर एक सरिता नाम की लड़की अपनी परिवार वालों के साथ बेहद ही खुशमय परिवार से रह रही थी। उस परिवार में चार लोग थे, एक बड़ा भाई जो कि जिसकी उम्र करीब 26 साल हो रही होगी और सरिता की उम्र करीब 21 साल हो रही होगी। वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी, वह बेहद ही खुशमय परिवार से चल रहा था। वो 10th क्लास में पढ़ रही होती है, वह अपने स्कूल रोजमर्रा की तरह जाती है और आती है। उसी क्लासमेट में एक लड़का जो कि रमेश नाम का था और जो कि उसी के गांव का था, वो उसी के क्लास में पढ़ता था और उस पर नजरें रखा करता था। बहुत दिनों से वह उस पर नजरें रखा करता था। रमेश जो कि था, वह अपने उससे बातें करना चाहता था, लेकिन जो रमेश उसके घर वालों से, उसके भाई जो कि 11th क्लास में पढ़ रहा होता है, वह से डर के मारे वह कुछ नहीं बोलता। वह प्यार का इजहार करने के लिए बहुत बार ट्राई करता है, लेकिन जो सरिता थी वह अपनी सहेलियों के साथ हमेशा आती और जाती। वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थी, अपने परिवार को लेकर बहुत ही चिंता में रहती थी और चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर कुछ बने और अपने परिवार वालों का सहयोग करे, क्योंकि उसका परिवार जो था बहुत ही गरीब था और वो उसकी घर की स्थिति बहुत ही खराब चल रही होती है। जो बड़ा भाई था वो अभी पढ़ाई के कर रहा था और जो उसके माता पिता थे मजदूरी कर कर उन दोनों को पढ़ा रहे होते हैं, जो कि वो दोनों अपने माता पिता को देख कर वो मेहनत करना चाह रहे थे कि दुनिया में कुछ बने, वो कुछ कर कर दिखाए, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जो कि एक दिन की बात है, जो सरिता थी जो अपने क्लास जा रही होती है और बीच रास्ते में जो कि रमेश था वह 3 लड़कों के साथ आता है और रास्ते में उसे जो कि सरिता को रुका लेता है। वहां पर रुका कर जो उसकी सहेलियां जो थी वहां पर सभी रुक जाती है और जो रमेश था वह जाता है पास में और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जो कि तुमसे शादी करना चाहता है। ये सब चीज का सुनकर वो सरिता थी जो वो सहम जाती है, वह चुप रह जाती है, अपनी सहेलियों का चेहरा देखने लगती है कि वह जवाब दे तो दे क्या, क्योंकि वह सोच पर नहीं पा रही थी कि जो उसके घर का बगल का है, जो पड़ोसी है, वो अगर रिश्ते की बात करें तो वह भाई लगेगा जो उससे प्यार करता है। वो समझ में नहीं आता, वह चुपचाप से वहां से बढ़ती हुई जाती है, लेकिन जो पीछे से रमेश था वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। इस तरह की बातें वह चिल्ला कर कहने लगता है, लेकिन सरिता चुपचाप से अपने स्कूल चली जाती है। लेकिन किसी तरह से उसके भाई को जो था वह खबर मिल जाता है कि तुम्हारी बहन को जो कि रमेश है वह प्रपोज किया है, जो कि तुम्हारी बहन से वह प्यार करता है। बीच रास्ते में रुका कर तुम्हारी बहन से वो प्यार का इजहार कर रहा था। रमेश की ये सब बातें जानकर उसका भाई जो था वह तुरंत रमेश के पास जाता है, जो कि फील्ड में वहीं पर जो क्रिकेट खेल रहा होता है वहां पर जाकर वह सीधे रमेश के कॉलर को पकड़ लेता है। वह कॉलर से साफ कहता है कि अगर तुमने मेरी बहन के तरफ अगली बार से कोई हरकत की तो तुम्हें अच्छी नहीं होगा, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सलूक होगा, तुम्हें ठीक नहीं होगा, तुम्हें कभी भी कोई भी सजा दे दी जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। इस तरह की बातें वह कहता है, उसके जो दोस्त थे वो दोनों के बीच वहीं पर झगड़ा होने लगता है। कई जो लोग थे वहां पर या सब लड़के सब सभी आते हैं और उन दोनों का जो झगड़ा शांत कराते हैं किसी तरह से और दोनों को समझा बुझा कर ये अपने अपने घर भेजा देते हैं। जो कि दिन ऐसे ही गुजरने लगता है, रमेश था जो कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, वह बार बार सरिता के छत पर जब जाकर बार बार झांकता हुआ रहता है। जब भी सरिता छत पर आती कपड़े सुखाने के लिए वह अपनी छत से उसे देखता हुआ रहता है। सरिता जो थी वह भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी थी, अब उसे भी लगने लगा था कि अब उसका प्यार हो गया है, अब उसके बिना, रमेश के बिना वह नहीं रहेगी। धीरे धीरे वह भी अब इजहार करने के लिए चाह रही थी, लेकिन जो अब वो रमेश था वह अपने उसके भाई के डर से अब उसके कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसे कुछ कह नहीं पा रहा था। जो कि एक दिन वह अपने स्कूल जा ही रही होती है और स्कूल में पहुंचती है और जब वह वहां पर रख कर अपने जितने भी कॉपी होते हैं प्रार्थना करने के लिए बाहर जाता है जाती है और रमेश सीधे उस क्लास में जाता है और उसके कॉपी में एक लेटर रख देता है। जब वह प्रार्थना कर कर वह अपने वॉशरूम में जाती है, क्लासरूम में, और जब कॉपी को खोलती है तो देखती है कि उसके कॉपी में एक लेटर है जो कि रमेश लिखा हुआ है। वह लेटर को पढ़ती है और मुस्कुराती है और रमेश की ओर देख देख कर वह बार बार से मुस्कुरा रही थी। अब वो कि लेटर में क्या लिखा था ये तो कभी खुलकर सामने नहीं आया था कि क्या लेटर में लिखा हुआ था, लेकिन जब स्कूल की छुट्टियां हो जाती है, जब सारे लोग जो थे अपने अपने घर जाने लगते हैं, जो उसकी सहेलियां थी
वह भी कहती है कि सरिता तुम भी चलो घर, जो कि बहुत ही जल्द हम लोगों को काम है और वहीं पर जाएंगे घर में, वहां से फिर कुछ खेलने खेलने के लिए कहीं चलेंगे। सरिता कहती है कि मैं तुम जो बढ़ो जो कि मैं आती हूँ, जो कि मुझे 5 मिनट लगेंगे, कोई काम है, सर ने कहा कि रुक जाना कुछ के लिए, तुमसे कुछ बातें करनी है, इसलिए मैं रुक कर कुछ देर बाद ही आऊंगी। सरिता वहीं पर रुक जाती है और जब सारे लोग स्कूल से चले जाते हैं तो वह सरिता सीधे स्कूल के पीछे जाती है जहाँ पर रमेश जो था वह इंतजार कर रहा होता सरिता का। वहां पर जाकर दोनों मिलकर प्यार भरी बातें करने लगते हैं और अच्छे देर तक वो दोनों प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे को जीने मरने की कसमें खाने लगते हैं। ये जो सिलसिला था दोनों को मिलने जुलने का जो बार बार होने लगता है, कभी भी दिन हो या रात हो, हर वक्त वो एक दूसरे से मिलने लगते हैं और ऐसे ही दिन कटता हुआ जा रहा था। जो कि एक दिन दोपहर 2 बजे सरिता जो थी वो अपने गांव के एक तालाब में जाती है कुछ मिट्टी को एकत्र करने के लिए, अपने घर में लाने के लिए, कुछ चूल्हा चूल्हा बनाने के लिए काम चल रहा था, इसलिए वह मिट्टी को लाने गई थी। वहां जो उधर उधर जो था रमेश को पता चलता है कि जो सरिता उससे तालाब के पास गई है, तो जो तुरंत वहां से भागा भागा अपने गांव से आता है, गांव से बाहर निकलता है, जहां पर तालाब था वहां पर वह पहुंच जाता है। जब देखता है कि सरिता कुछ मिट्टी को निकाल रही है तो वहां पर वह जाता है और सरिता का जो कि मदद करने लगता है। सरिता जो थी वह भी उससे प्यार करने लगी थी, इसलिए सरिता दोनों मिलकर मिट्टी को एकत्र करने लगते हैं और मिट्टी को एकत्र कर एक बोरे में जो पैक करने लगते हैं। जब दोनों की पैकिंग हो जाती है और मिलकर वहां से निकलने लगते हैं, जो रमेश था वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ 5-10 मिनट बैठकर आराम से बातें करना चाहता हूँ, मुझे चलो यहीं पर गन्ने का मेरा खेत है उसी में बैठकर कुछ देर बातें करेंगे। वह दोनों मिलकर उस गन्ने के खेत में चले जाते हैं, वह जो मिट्टी का जो थैला था वहीं पर वह रख कर वह खेत में चले जाते हैं और दोनों मिलकर वह खेत में अच्छी देर तक बात करते हुए रहते हैं। उधर दूर खड़ा भाई वहीं पर जो कि गन्ने का खेत था वह दूर खड़ा था और खेतों को पटा रहा था, लेकिन अनझुके से कहें या फिर किसी तरह से वह अपने बहन को और रमेश को उस खेत में जाते हुए देख लिया था। वह ये सब देख कर वह सोचा कि क्यों कौन वह लड़की है और कौन वह लड़का है, जो कि अपनी बहन को वह भी दूर से नहीं पहचान पा रहा था कि आखिर वह कौन है। वह जब नजदीक आता है कि आखिर वह दोनों क्या करने गए हैं खेत में, वह कौन है लड़का है और कौन लड़की है, वह देखने के लिए जब उस खेत के पास पहुंचते हैं तो वह देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। जब उसका भाई वहां पर पहुंचता है तो वह जो सरिता थी वह देखकर वह तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है, भैया मैं कुछ नहीं, मैं इसे प्यार करती हूँ, रमेश के बिना मैं नहीं रह सकती। उसके पैरों को वह पकड़ लेती है अपने भाई के। वह रमेश जो था वह भी वहीं पर इजहार करने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, जो कि तो मुझे माफ कर दो, जो अपनी बहन से मेरी शादी करा दो। ये सब चीजें था रमेश जो था वह उसके भाई तर कहते हुए जा रहा था, लेकिन जो भाई था गुस्से का जो था वह उसके सर पर चढ़ गया चुका था और वहीं पर से कुछ ईंटे को एकत्र करता है और ईंटों से देकर उसके सर पर दे बैठता है, जिसे रमेश वहीं पर गिर जाता है और छटपटाने लगता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। सरिता थी वह अपने भाई को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जो उसका भाई था वह रुकने को नाम नहीं लेता है और ईंटों से उसके सर पर देने मार लगता है। सरिता को कुछ समझ में नहीं आने लगता, वह सीधे वहां से दौड़ी दौड़ी अपने घर आती है और घर में सारे लोगों को बताती है कि भैया ने जो कि है रमेश को जो कि इस दुनिया के अलविदा कर दिया है। तो घर वाले सभी मिलकर उस खेत के पास आते हैं, तब तक इस दुनिया को वह रमेश था छोड़कर चला जा चुका था। वह उसका जो सरिता का भाई था वह वहीं पर खड़ा होकर गुस्से में आग बबूला था, उसकी आंखें जो थी लाल हो चुकी थी। ये सब देखकर वह कुछ समझ में नहीं आता कि उन लोगों की क्या करे, वह क्या ना करे। तो वह सोचती है, अपने बेटी को समझाती है कि जो हुआ ये सब भूल जाओ, कि कुछ हुआ है जो कि इसे इसी खेत में इसे दफना देते हैं, उसके बाद किसी को पता नहीं चलेगा। वह उसी खेत में उसे दफना दिया जाता है और वहाँ पर सरिता जो थी वहाँ से चली जाती है अपने माता पिता के पास और दिन भर दिन वैसे बीतने लगता है। किसी को पता नहीं था, उसके जो रमेश के घर वाले थे वह उसे रमेश को ढूंढ रहे थे, जो कि करीब 1 हफ्ते तक गुजर चुका था। किसी को घर गाँव वालों को पता नहीं था कि आखिर रमेश गया तो गया कहाँ। कई लोग थाने जाते हैं, वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाते हैं, पुलिस भी इधर उधर खोजती हुई रहती है, लेकिन पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिलता है। जो कि दिन ऐसे ही गुजरता जा रहा था, लेकिन जो सरिता थी उसे रहा नहीं जाता है, वह उसे एहसास होने लगता है कि वह वो कि उसके अपने भाई घर वालों को सपोर्ट कर कर वह गलत की है, जो कि सच्चाई है जो है उसके माता पिता को बता देनी चाहिए, क्योंकि उसका एक इकलौता बेटा है उसके उस घर में। सरिता उसके किसी तरह से अपने घर से निकलती है और सीधे उसके जो रमेश के घर पहुंच जाती है।
और सीधे उसकी माँ के पास पहुँच कर कहती है कि जो रमेश है जो कि आपके गन्ने के खेत में दफन है। ये सुनते हैं कि साथ ही जो रमेश के माता पिता थे उस खेत के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहीं पर जो कि गन्ने के खेत में गन्ने के जब कुछ जो कि पड़ा हुआ था उसे हटाते हैं तो वहां पर बहुत सारा बदबू फैला हुआ था। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस तुरंत आती है और उस सरिता के बयानों को नोट कर कर उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके माता पिता जो कि अपने बेटे का जो कि सबूतों को मिटाने की कोशिश किए हैं उसके गुनाह में भी उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही घटनाएं समाज में होती है, प्यार में लोग एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि उनके बीच दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं और जो कि वह कुछ भी कर देते हैं। प्यार कहीं भी करना कोई गुनाह नहीं है लेकिन जो भी करें अपने माता पिता गार्जियन की सहमति से करें और अपने माता पिता को बता दें कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। किसकी गलती थी अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा और मेरा ओपिनियन के अनुसार उसमें सबसे बड़ी गलती जो कि थी उसके जो कि सरिता का भाई का था जो कि इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। समझाना बुझाना चाहिए था, उसके घर वालों को बताना चाहिए था, दबाव बनाना चाहिए था कि ये सब चीज़ गलत है, ये नहीं कि किसी का इस दुनिया से अलविदा कर देना बेहतर है क्योंकि ये गुनाह है, आए गुनाह कभी नहीं करने चाहिए और अगर आपको इस तरह की गुनाह आप करते हैं तो कानून आपको कभी छोड़ेगा नहीं, आपको कभी न कभी सजा जरूर होगी। तो मैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।